नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू MH01 यानी कि ब्रिटिश पोइट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो कुछ मेन सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको इस बार के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चंस यानी कि लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जिनके इस बार आने की मैक्सिमम चांसेस हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में तो मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चंस ही बताऊंगी, बट अगर आपको ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना है एंड अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में जानना है डिटेल में, तो उसके ऊपर मैंने पहले ही अपने चैनल पर वीडियो जो है अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी तक आपने जाकर नहीं देखी है तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, तो डिस्कस करते हैं MH01 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड हाँ, एक और बात, अगर आपको इसके अलावा अदर क्वेश्चन भी करने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट और इजी लगते हैं तो उनको आप जरूर कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन पेपर मैंने सेट नहीं किया है तो 100% श्योरिटी तो मैं भी नहीं दे सकती कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बट ये है कि जो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन, होपफुली वहां से 40-60% जो है आपका आया होगा। तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता सकती हूँ। ओके, तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता सकती हूँ, वो भी कुछ सिलेक्टेड लिमिटेड से। एंड मैं आपके साथ स्टैंजर्स नहीं डिस्कस कर सकती कि कौन से स्टैंजर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको जरूर करने हैं, क्योंकि स्टैंजर्स जो हैं वो आपके किसी भी पोएम से आ सकते हैं एंड आपकी इतनी सारी पोएम्स हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा लेंथी हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्टैंजर बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर स्टाइल आता है उसी सिक्वेंस में मैं आपको लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्किप नहीं करना है, डिस्कस चॉसर्स यूज ऑफ आयरनी इन द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। तो ये आपके चॉसर यानी कि जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है वहाँ से ये दो क्वेश्चन हैं एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बाकी इसके अलावा आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर एपिथेलेमियन एंड प्रोथेलेमियन एज वेडिंग सॉन्ग्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर करके जाना। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स दैट शेप स्पेंसर्स करियर एज अ पोइट, इलस्ट्रेट विद हिज पोएम्स एग्जांपल्स। मतलब कि आपने जो स्पेंसर्स की पोएम्स हैं उनको ही पढ़ना है कि इनकी थीम क्या होती थी, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, ये किन थीम्स पे बेस लिखते थे एंड क्या किस मतलब किस पीरियड में इन्होंने लिखा है, तो वो सब कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है, राइट इन डिटेल्ड नोट ऑन जॉन डन्स पोएटिक मीडियम विद हिज पोएम्स एग्जाम्पल। अगेन आपका सिमिलर क्वेश्चन आया है, पर यहाँ पर आपको जॉन डन के बारे में पता होना चाहिए, उनका पोएटिक स्टाइल पता होना चाहिए एंड जॉन डन की जितनी भी पोएम्स हैं बहुत ही ईजी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, तो उनको आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर देने पड़ते हैं अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर राइटर आया हो। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेस एंड्रयू मार्वेल ईदर एज अ पॉलिटिकल पोइट और एज अ राइटर ऑफ फिलोसफिकल एंड लव पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एज ऑफ ड्राइडन, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ड्राइडन्स पोइट्री इन डिटेल। अगेन सिमिलर क्वेश्चन आया है, आपको ड्राइडन की एज पता होनी चाहिए एंड नेक्स्ट ड्राइडन की जितनी भी पोएम्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आपको पूरी नहीं तो 2-3 आपको पता होनी चाहिए जिनको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओ पेपर में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू यू थिंक सटायर बिकम पॉपुलर इन एज ऑफ पोप एंड ड्राइडन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ ओपिनियन दैट शेली अचीव्स द सबलाइम। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वुड यू एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू दैट ऑस्कर विल्ड्स द बैलेड ऑफ रेडी गोल सजेस्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ क्रिश्चियन ईदर एंड द लॉस ऑफ फेथ इन क्रिश्चियनिटी। तो इसको भी स्किप मत करना, ये भी काफी बार पूछा गया है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द इमेजिस्ट एलिमेंट्स ऑफ T.S. Eliot विद रेफरेंस टू द वेस्टलैंड। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो द वेस्टलैंड है ये आपके आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट यूनिट से है, मतलब ब्लॉक से है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कैंटरबरी टेल्स हो गया एंड एक ये द वेस्टलैंड हो गया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, मतलब ये तो मोस्ट रैपिडली आने वाले क्वेश्चन हैं आपके MH01 के। इसके अलावा बाकी जो बताए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको तो मतलब आप बिल्कुल टिप पे याद करके जाना,
ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही सिलेक्टेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड से मैंने आपको बताया है, मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स बता देती हूँ जो आपने करनी है। तो सबसे पहले है मैक फ्लैकनोए, सेकेंड है द प्रिल्यूड, थर्ड है कुबला खान, फोर्थ है हाइपेरियन, फिफ्थ है लिसिडस, सिक्स्थ है डैडी एंड सेवन्थ सोनेट्स। सोनेट्स भी आपके आते हैं एग्जाम में, मे बी ब्लॉक सेकंड में या ब्लॉक थर्ड में, इतना मेरे को याद नहीं अभी, लेकिन आप देख लेना सोनेट्स जो हैं वो आपके आई थिंक ब्लॉक सेकंड में होंगे, तो आप उनको भी कर लेना। तो ये पोएम्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो भी आपके राइटर्स होंगे उनके एटलीस्ट 2 से 3 पोएम्स आप जरूर पढ़ लेना। कई बार जो है राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम्पल्स में उनकी पोएम्स पूछी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यही थे MEG 01 के कुछ लिमिटेड से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।